जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज इस युग के परमाचार्य हैं। उन्होंने जीव कल्याणार्थ समस्त शास्त्रों, वेदों, पुराणों एवं धर्म ग्रंथों के सार गर्भित सिद्धांतों को अपने प्रवचनों द्वारा सरल भाषा में प्रकट किया है, जिसे जन साधारण भी सुगमता से हृदयंगम कर सकता है। अपने मनमोहक प्रवचनों में प्रमाण स्वरूप जब वे श्लोकों को बोलते हैं, तब ऐसा लगता है कि समस्त वेद, शास्त्र व पुराण आदि मूर्तिमान होकर उनके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। इतना ही नहीं, भगवत भक्तों को प्रत्यक्ष भगवत लाभ देने के लिए प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर इलाहाबाद के निकट अपने जन्म स्थान मनगढ़ में श्री महाराज जी एक मास का साधना प्रोग्राम रखते हैं। इस प्रोग्राम में नाम संकीर्तन, पद संकीर्तन, एवं प्रवचनों द्वारा वे ब्रजरस की जो धारा प्रवाहित करते हैं उसमें निमग्न होकर भक्तजन अपने को परम भाग्यशाली अनुभव करते हैं। आइए हम लोग भी अब उनकी अनुपमेय प्रवचन व संकीर्तन माधुरी का पान करें। श्रेय प्रेय धर्म दो है गोविंद राधे, श्रेय प्रेय धर्म दो है गोविंद राधे। एक आत्मा का एक देह का बता दे, एक आत्मा का एक देह का बता दे। ये तो आप लोगों को पता ही है कि तीन तत्व अनाद्य अनंत शाश्वत हैं, ब्रह्म, जीव, माया। हम सब लोग जीव हैं। जीव के अतिरिक्त दो बचे, एक ब्रह्म अर्थात भगवान और एक माया। जीव अनादिकाल से दुखी है, अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है। वो आनंद चाहता है, ज्ञान चाहता है, पूर्णता चाहता है। और दो साइड है, एक भगवान और एक माया। माया कहती है मेरे पास आओ, हम तुम्हारा लक्ष्य पूरा कर देंगे। भगवान कहते हैं मेरे पास आओ, हम तुमको परिपूर्ण कर देंगे। दोनों अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। जीव अल्पज्ञ है, तो जो प्रत्यक्ष दिखता है उसी ओर भागता है।
जो नहीं दिखता और न तो सोचने में आता है न जानने में आता है, उधर प्रवृत्ति कम होती है। तो ये दो तत्व, एक ब्रह्म माने भगवान और एक माया है, इसलिए दो मार्ग भी वेदों ने बताए। अन्य श्रेयो अन्य दूतैव प्रेयत् तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते कठोपनिषद। पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का पहला मंत्र। वेद कह रहा है कि एक श्रेय मार्ग है एक प्रेय मार्ग है, बस दो मार्ग है। ये यमराज ने उपदेश दिया था नचिकेता को। जो श्रेय मार्ग अपनाता है वो अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जो प्रेय मार्ग को अपनाता है वो लक्ष्य से च्युत हो जाता है, भटक जाता है और भवाटवी में 84 लाख में घूमता रहता है। तो श्रेय मार्ग क्या है और प्रेय मार्ग क्या है ये समझना है। ये तो समझ में आ गया कि दो मार्ग है और क्यों है ये भी समझ में आ गया कि दो ही तत्व है इसलिए दो मार्ग होंगे, और श्रेय मार्ग से कल्याण होगा, अपना लक्ष्य प्राप्त होगा, ये भी मालूम हो गया। लेकिन श्रेय है क्या और प्रेय है क्या, यानी इन दोनों में भगवान का मार्ग श्रेय है या माया का, ये डिसीजन लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ हमारे यहां श्रीमद् भागवत है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पदार्थों का निरूपण वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, महाभारत में भरा पड़ा है, स्मृतियों में, ये प्रेय मार्ग है। माना कि मोक्ष श्रेय मार्ग है लेकिन फिर भी वास्तविक श्रेय नहीं, और धर्म अर्थ काम तो प्रेय है ही है डिक्लेयर्ड। तो ये धर्म अर्थ काम इन तीनों का निरूपण तो तमाम भरा पड़ा है वेदों में, यानी 1,00,000 वेद मंत्र में 80,000 वेद मंत्र धर्म अर्थ काम संबंधी है, इतना डिटेल। और 20,000 मंत्र में मोक्ष और भक्ति ये दोनों है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का निरूपण बहुत अधिक है, भरा पड़ा है, लेकिन भागवत का निर्माण जो हुआ है वो धर्म प्रोज्जित कैतवा, पहला श्लोक है भागवत का। ये भागवत ग्रंथ कैतव रहित है, कैतव माने छल, ठगपना, धूर्तता, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये ठग है,
ये ठग लेते हैं जीव को। तो भागवत ने कहा कि हम पांचवा बताएंगे पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन। गौरांग महाप्रभु ने कहा पांचवा पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। तो ये चार कैतव हैं, छल हैं, कपट हैं, गड़बड़ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनसे ऊपर भागवत ग्रंथ है। भागवत के प्रारंभ में शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया, पुंसामेकांत तत्श्रेयस् तन्मे संशि तुमर्हसि। पहले स्कंद के पहले अध्याय का नौवां श्लोक। आप सब लोग परमहंस हैं, परम ज्ञानी हैं, भगवत प्राप्ति किए हैं, तो आप लोगों के सामने हम एक प्रश्न कर रहे हैं कि वास्तविक श्रेय क्या है। श्रेय जो वेद ने कहा ना, अन्यच्छेयोन दुतैव प्रेया, एक श्रेय मार्ग होता है, तो श्रेय क्या है? ये पहला प्रश्न है भागवत का। और दो श्रेय होते हैं, तो एकांत श्रेय तन में संशय तुम्हारा हसी, जो सर्वश्रेष्ठ श्रेय हो वो बताइए, यानी मोक्ष नहीं चाहते। मोक्ष भी श्रेय है क्योंकि माया से निवृत्ति हो जाती है, भावबंधन समाप्त हो जाता है, आवागमन समाप्त हो जाता है, लेकिन इतना ही हम नहीं चाहते, हम प्रेमानंद भी चाहते हैं। इसलिए वो श्रेय बताइए आप। तो श्रेय के मार्ग बहुत तरह के होते हैं, डिटेल तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन भक्ति में भी कई प्रकार की भक्ति होती है। आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति, तो हम क्या सुनना चाहते हैं? तो शौनकादिक परमहंस कहते हैं महाराज एक बात मैं बता दूं पहले ही, कि प्रायणाल्पायुष सभ्य कला वस्मिन जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता। पहले स्कंद के पहले अध्याय का दसवां श्लोक। परीक्षित कहते हैं कलयुग है, तो युग का प्रभाव शरीरों पर पड़ता है, यानी हमारे शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब कमजोर हैं, मंद बुद्धि के लोग होंगे। अभी एक बात कहो शाम को भूल गए, और हम तो अनुभव करते हैं आप लोगों के साथ दिन रात रह करके, पांच मिनट में भूल जाते हैं, ए देखो ऐसा करना है, उसको फोन कर दो, दस मिनट में फोन किया भूल गए।
ऐसी मेमोरी है। मेमोरी तो 60 वर्ष के बाद कमजोर होती है, साइंस कहती है, मस्तिष्क सिकुड़ जाता है, तो याददाश्त कमजोर होती जाती है 60 साल के बाद, और 80 के बाद तो बहुत ही कमजोर हो जाती है। आदमी कहता है मैं सामान भूल जाता हूँ, चश्मा कहाँ रखा स्वयं ढूंढ रहा है। लेकिन हम तो इन बच्चों को देखते हैं, और फिर लोग कहते हैं पढ़े लिखों में ज्यादा याददाश्त होती है। अरे हम PhD लोगों के साथ रहते हैं, खूब देखते हैं। तो परीक्षित कहते हैं महाराज ये कलयुग है, यहां सब मंद बुद्धि लोग होंगे, तो और शरीर भी सबका रोगी होगा और मन भी बड़ा चंचल होगा कलयुग में। तो महाराज इस युग के अनुरूप श्रेय मार्ग बताइएगा, आप कोई साधन बता दे सतयुग वाला तो वो यहां नहीं चलेगा, लोग नमस्ते कर लेंगे, हम नहीं कर सकते भाई। हाँ, अरे गुरुजी ने कह दिया वाल्मीकि को मरा मरा कहते रहो यहीं बैठ कर, जब तक हम लौट के ना आवे उठना नहीं। हे भगवान, हम तो 6 घंटे भी नहीं बैठ पाते, 1 घंटे में भी कभी यूं पैर करते हैं कभी यूं करते हैं। ऐसी गुरु आज्ञा, उसके दीमक खा गए सारा शरीर, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन कर रहा है। तो महाराज कलयुग में ये सब नहीं चलेगा, लोग गुरु जी को नमस्ते कर लेंगे, भगवान को भी नमस्ते कर लेंगे। तो कलयुग के हिसाब से श्रेय क्या है बताइए। भूरिणि भूरि कर्माणि, शास्त्र वेद पढ़ करके कोई श्रेय मार्ग समझ ले, अरे पागल हो जाएगा, समझना तो बहुत दूर है। क्यों? वो इतना विस्तार है। श्रोतव्यानि विभागशः, अतः साधोत्र यत्सारम्। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। जितना पढ़ोगे शास्त्र वेद उतने उलझते जाओगे और पागल भी हो सकते हो। पहले तो तुम्हारी उम्र ही नहीं इतनी कि शास्त्र वेद पढ़ लो पूरा, 100 वर्ष में नहीं पढ़ सकते। अरे पढ़ने का मतलब समझना, एक शास्त्र में सारा जीवन लगा देते हैं काशी में लोग और फिर भी कंफ्यूज्ड। तो फिर सारे शास्त्र वेदांत न्याय सांख वगैरह 4-4 लाख श्लोक वेद व्यास ने बनाए, इतनी स्मृतियां इतने निबंध, ये सब पढ़ लेना और समझ लेना और कोई काम न करना तो ये कैसे संभव। तुम्हारा संक्षेप में हम लोगों की बुद्धि के अनुरूप श्रेय क्या है बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। वो कर्म ज्ञान भक्ति कुछ नहीं पूछ रहे हैं, वो सीधे सीधी बात पूछ रहे हैं कि हम कलयुग के मनुष्यों के लिए जो कुछ श्रेय हो वो बता दीजिए। तो सूत जी बोले,
बरसाने वारी प्यारी 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 मेरी बरसाने वारी प्यारी 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 मेरी बरसाने वारी प्यारी 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 मेरी बरसाने वारी प्यारी 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 मेरी बरसाने वारी प्यारी 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 मेरी बरसाने वारी प्यारी 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 प्यारी